आइए आइए, आप भी आइए ना, क्योंकि हल्की सी बारिश हुई है, कुछ घंटों की बारिश हुई है, और कुछ घंटों की बारिश में ये अंडरब्रिज का आप हाल बेहाल देख सकते हैं। जिसका क्षेत्र है ये क्षेत्र किसका है? देवेंद्र यादव का है। देवेंद्र यादव आते नहीं है का? हर सुबह शाम आते हैं वो, यहाँ से जाते हैं। हाँ, यही से जाते हैं वो नहीं देखते क्या उनके आंख में नहीं है क्या कि इसमें मोटर लगवाएं? अब की बार भाजपा सरकार ऐसे करके स्लोगन लिखवाने बस के रह गए, कांग्रेस वाले भी कहीं लिखवा देंगे, उनका भी स्लोगन लिखा जाएगा कहीं। भैया हम लोग 3 घंटे से पानी भरा हुआ है, ये हमारा छाती इतना पानी है, हमारा माल वहाँ पारा गीला हो जा रहा है। अब गए थे क्या? हाँ गए थे, फिर वापस आए, हमारा पूरा माल गीले हो गया है। मौका भिलाई की जनता ने दोनों को दिया है, चाहे वो निगम में मौका दिया हो, चाहे विधानसभा में मौका दिया हो, लेकिन इस अंडरब्रिज का समाधान इन हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी नहीं दिया। इसके अलावा चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज तो एवरग्रीन सब्जेक्ट है, मतलब भगवान भी ना ऐसे कपड़े झाड़ते होंगे ना ऊपर से बादल से, तो जितने बारिश आती है ना, मतलब जो बारिश होता है उतने अंडरब्रिज भर जाता है। अरे भैया 1 घंटे की बारिश हो जाए ना, सबकी पोल पट्टी खुल जाती है, क्या करें, हालात दिखाने जरूरी थे। साफ देखा गया, ये हमारे भिलाई का सबसे चर्चित अंडरब्रिज है, प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज, जो अब जो है पॉलिटिकल पार्टीज के जो है स्लोगन और नारे लिखने के लिए रह गए हैं। देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स माफ भाजपा सरकार में, इसके अलावा और कुछ कुछ लिखा हुआ उसको बता दो, कांग्रेस राज में क्या और भी लिखा हुआ उसको बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर सभी में, ऐसे करके स्लोगन लिखे हुए प्रेम प्रकाश पांडे जी के स्लोगन है। आइए आइए, आप भी आइए ना, क्योंकि हल्की सी बारिश हुई है, कुछ घंटों की बारिश हुई है, और कुछ घंटों की बारिश में ये अंडरब्रिज का आप हाल बेहाल देख सकते हैं। अब हम आपको चल के दिखा रहे हैं, बहुत हालांकि बहुत गहरा है, मुझे लगता है कि मैं आज पैंट शर्ट पहन के आया हूँ, बहुत बढ़िया ब्लू शर्ट पहना हूँ, लेकिन क्या करें, हालात दिखाने जरूरी थे। साफ देखा गया, अच्छा खुशवंत साफ देख लिया, साफ नहीं कहीं साफ होगा पता नहीं। अब की बार भाजपा सरकार ऐसे करके स्लोगन लिखवाने बस के रह गए, कांग्रेस वाले भी कहीं लिखवा देंगे, उनका भी स्लोगन लिखा जाएगा कहीं कि अब की बार भूपेश सरकार, उन लोग भी लिखवा देंगे। तो ये अंडरब्रिज जो है ना, सिर्फ पानी भर जाता है, हल्की सी बारिश होगी पानी भर जाएगा, उसके बाद आपको ये सब नारे दिखेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ना बीजेपी वालों ने कर पाया ना कांग्रेस वाले कर पाए, क्योंकि मौका भिलाई की जनता ने दोनों को दिया है, चाहे वो निगम में मौका दिया हो, चाहे विधानसभा में मौका दिया हो, लेकिन इस अंडरब्रिज का समाधान इन हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें कही गई कि हम अंडरब्रिज का निराकरण कर देंगे, पानी नहीं भरा जाएगा। अरे भैया 1 घंटे की बारिश हो जाए ना, सबकी पोल पट्टी खुल जाती है, तो ये वही पोल पट्टी है, आप देख सकते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ, मतलब सीने तक पानी है। अगर आप कहेंगे तो चले भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे तैरना आता है, लेकिन मैं ये लापरवाही काम नहीं करूंगा, दिखाने के लिए काफ़ी है, मैं पूरा घुटने तक पानी में गया था, लोगों से बात करते परेशान है, और सारे अंडरब्रिज का यही हाल है भिलाई शहर के। एक सिरसा गला अंडरब्रिज की बात में लगातार वहाँ पे भी फोन आ रहे हैं कि भैया वहाँ का भी, वहाँ भी अंडरब्रिज भर जाता है। इसके अलावा चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज तो एवरग्रीन सब्जेक्ट है, मतलब भगवान भी ना ऐसे कपड़े झाड़ते होंगे ना ऊपर से बादल से, तो जितने बारिश आती है ना, मतलब जो बारिश होता है उतने अंडरब्रिज भर जाता है, तो वैसे ही स्थिति है, 10 मिनट की बारिश क्या हो जाए पूरा अंडरब्रिज भर जाता है। आप बहुत टाइम से बोल रहे हो बात करना है क्या बात? यादव जी भी इस सड़क से डेली आते जाते हैं, वो हाँ। क्या देखते नहीं है हाँ। और भूपेश बघेल भी जाते आते हैं, वो नहीं देखते हैं क्या? कहाँ आते, हेलीकॉप्टर से आते हैं? आते हैं जी, हम देखते हैं उनको, भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से आते हैं, यादव जी नहीं आते। जिसका क्षेत्र है ये क्षेत्र किसका है? देवेंद्र यादव का है। देवेंद्र यादव आते नहीं है का? हर सुबह शाम आते हैं वो, यहाँ से जाते हैं। हाँ यही से जाते हैं वो नहीं देखते क्या उनके आँख में नहीं है क्या कि इसमें मोटर लगवाए? अच्छा मोटर यहाँ लगा ही नहीं है, कम से कम चंद्रमौर्या मोटर लगा, चंद्रमौर्या कम से कम तो मोटर लगवाए पब्लिक के सुविधा के लिए, मोटर कम से कम लगा दे तो पानी नहीं जमे भैया, आदमी आएगा जाएगा बढ़िया से। निगम में कांग्रेस सरकार है, विधायक खुद भी कांग्रेस के है, वो सब मालूम है, खाली खाली वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं भैया। आप लोग वोट देते भी तो सबको, आप बीजेपी को भी वोट दिए, कांग्रेस को भी वोट दिए, खानदानी कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देते हैं बाप दादा के जमाना से। अब समस्या हो तब भी आप कांग्रेस को जाएगा? मतलब एक उनसे लगाव है, उनके पार्टी से लगाव है, भले क्षेत्रीय नेता कोई भी आए जाए मगर हम लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? भैया हम लोग 3 घंटे से पानी भर हुआ है, ये हमारा छाती इतना पानी है, हमारा माल वहाँ पारा गीला हो जा रहा है। गए थे क्या? हाँ गए थे, फिर वापस आए, हमारा पूरा माल गीले हो गया है, ठेले हम लोग ठेले चलाने वाले हैं, अब पानी निकल नहीं है, निकल नहीं रहा है, निकलेगा तब तक चाहेंगे 4 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, पता नहीं हम लोग 12 बजे। दूसरा रास्ता नहीं है, पहला फाटक बंद है,
ओवर ब्रिज चढ़ नहीं पाओगे आप? ओवर ब्रिज हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग कहाँ चढ़ पाएंगे, हम रिक्शे वाले हैं, लोड गाड़ी हम लोग कहाँ चलेंगे, हमारा उम्र अभी 55 साल का हो गया, अभी भरा हुआ है, सब भरा हुआ है 55 साल का, हम रिक्शा चला के इधर से जाते हैं, ओवर ब्रिज थोड़ी कटेंगे भैया, नहीं कट पड़ेंगे हम लोग, हम कहाँ से जाएंगे, आप खड़े रहेंगे ये भूखे प्यासे क्या करेंगे। एक बार और आपको दिखाते हैं, वाकई में स्थिति बहुत खराब है भिलाई का, ये अंडरब्रिज में जब से मैं देख रहा हूँ हल्की सी बारिश क्या होती है अंडरब्रिज भर जाता है यार, मतलब कुछ उसकी भी एक सीमा होती है थोड़ी सी, लेकिन ये तो बस क्या बोलोगे, सिस्टम के लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि इस बार बारिश में नहीं भरेगा, इस बार पानी नहीं भरेगा, ऐसे बहुत सारे वादे, हमने बहुत सारी खबरें भी की, लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लगता कि यार हमने आज खबर की और उसके बाद भी सावधान नहीं हुआ, तो पता नहीं ये स्थिति कब सुधरेगी, ये वही जाने, जिम्मेदार जाने और सिस्टम के लोग जाने, तो सिस्टम सिस्टम हो जाएगा।